अल्लाह की कसम है, ठंड की वजह से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। रात में चला बजट में ज्यादा सफर इंशाल्लाह क्रॉस करके आप लोग क्या क्वेश्चन होने वाले हैं। आई डोंट नो, मैं पहली दफा जा रहा हूँ। पीछे इमिग्रेशन हाल है और आर्मी वाले बंदे देखे जा रहे हैं ना इधर ना। यार मेन प्रॉब्लम जो है ना वो इमिग्रेशन का नहीं है। इमिग्रेशन में कुछ भी नहीं पूछते, बस नाम वाम आपको पूछते हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कहाँ पे आपने घूमने जाना है। हमारे एक बंदे ने कह दिया ओवरऑल मैंने पूरा ईरान घूमना है, तो ऐसे में वो पता है शक करना शुरू कर देते हैं कि शायद ये डंकी वाला रहा हूँ। उन्होंने पूछना भी शुरू कर दिया आपने डंकी लगानी है, इसने कहा नहीं 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 तो नंबर है तो मैं नहीं जाऊँगा ना। तुम जाओ, 1,00,000 ज्यादा है यार। तुम जाओ मैं आएगा यार, तू आ जा यार, सीधे मर्जी आ जा। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से हम जाए या यहाँ जाए, धक्का तो नहीं है ना। मैं वीडियो नहीं बना रहा था, ये देख नहीं यार, हम नहीं जाना ही नहीं है यार, हम जाएगा खेत में, हम पैदल जाएंगे। रात कर लेगा नहीं जाओ ना, हमारे पास सिम नहीं है यार, नहीं तो पुलिस को फोन कर देते। हमने अभी यहाँ पे सिम खरीदी नहीं है, अभी आए हैं ना, तो इस वजह से वो समझ रहे हैं हमें। एक तो लोकल लैंग्वेज नहीं आ रही। चलो अंदर चलो, ये क्या चीज है, मस्जिद है क्या? ये सरा है यार, इधर ज़ायरीन के लिए मेरे भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हमारे हमारे हमारा आपके लिए बना है। आप कहाँ से हैं? तशय्यो के लिए बना है। आप कहाँ से हैं? हम कुटे के रहे भाई। ओह पाकिस्तानी, ओए आ जाओ, ओए चढ़ दे वो, आ जाओ आ जाओ नहीं जाएगा यार, पैसे कैसे पहनेंगे आप? पूरे कर लेते हैं भाई, ये मैच करते हैं यार। यार ना सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम किसी पे बिलीव नहीं कर सकते। जितनी भी पीसफुल कंट्री हो ना, बॉर्डर एरिया ख़ास तौर पे उनके काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं, तो इस वजह से ना हमने किसी पे भी ट्रस्ट किए बगैर बस अपने सफ़र की तरफ निकल पड़े हैं। अभी अपनी मर्ज़ी की यहाँ पे गाड़ी पकड़ेंगे और सीधा आगे ज़हदान। यहाँ पे जो ये वाइट टैक्सीज होती है ना, ये प्राइवेट होती हैं, बाकी जो है ना वो पीले वाली वो सरकारी बनी हुई हैं। टर्मिनल नाम अनवर स्पीक इंग्लिश स्पीकिंग। ये लोग भाई इंग्लिश को नहीं मानते, अमेरिका से सख्त जंग है इन लोगों की। यार अभी ना हम टर्मिनल पे पहुंच चुके हैं, ये सामने बस टर्मिनल है। हमने इससे पूछा कि अबे रुक, ये बस टर्मिनल है और यहाँ से बस पकड़नी और सीधा मस्जिद की तरफ $2,00,000। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे इनकी जबान बहुत अजीब है। बस को ना तबूस बोलते हैं, तबूस तबूस, तो वहाँ पे बसेज लगी हुई हैं। भाई बता रहे हैं कि वो वाली बस है, अंदर LCDs आपको मिलेंगी और अंदर जाके आप टिकट का मालूम कर लें, टिकट आपको बता देंगे कितने की। एक नफर चंद तुमान, एक नफर 250 तो दो दो लाख कोने दो लाख तक संदली ना 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 दूरबीन शो मी योर बस। Where is your bus? Bus. I want to see bus. Bus. Looking bus. 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 यार वो कहते हैं टिकट जो है ना वो 2,40,000 में है और आपको 2,00,000 में टिकट दे देते हैं यक नफर, एक मतलब आदमी की। जानी 5 मिनट मैं रिचार्ज 5 बजे नहीं नहीं 5 मिनट 5 मिनट टक 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 यस यस ये सुई 5 बार मैं आया।
वी आर कमिंग, जस्ट वेट प्लीज। हम चाह रहे हैं यहाँ पे ना इस टर्मिनल से काफ़ी सारी मतलब इनके ऑफिस बने हुए हैं ना, तो यहाँ से पता कर लें कि मशद की कितनी है। ये हमें घेर के खड़े हैं नहीं, हम आपको सबसे चीप और बेस्ट गाड़ी में ले जाएंगे और अच्छी होगी, सर्विस भी अच्छी होगी और पैसे भी सबसे कम लगा रहे हैं, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं मतलब यहाँ पे ओके कितने पैसे। 1.5 लाख लगा, सही 1.5 लाख है, ठीक है। 2 लाख बता रहे थे यहाँ पे, इन्होंने 1.5 लाख बताया। अब वहाँ पे गए, उन्होंने कहा चलो हम भी 1.5 लाख लगा लेंगे। फिर यहाँ पे आके बहस की, वो कहते हैं हम 1.30 लाख में कर लेंगे। तो अभी हमने कहा है कि सबसे पहले गाड़ी दिखा दे, हमें गाड़ी पसंद आती है तो फिर ठीक है। वही नीत नज़ारा ये साथ है दम दम। यार बंदे यार वाकई बड़े नाइस है, लेकिन यार चूना लगाने में नहीं ये पीछे हटते। टर्मिनल इंग्लिश का लफ्ज़ है, लेकिन ये टर्मिनल जैसे रशियन थोड़ी लैंग्वेज होती है ना, टर्मिनल टर्मिनल इस तरह। ओके वागा, वेयर इज बस? दिस वन, ये सादा गाड़ी है, ये वीआईपी हमारा फ्रंट फ्रंट ओ फ्रंट फ्रंट। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 1.30 लाख में जो हमें मिल रही थी ये वो है, और ये इनकी गाड़ी है। चेक 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 करो ये। ओके ओके यार, तू पैसे बताओ, इधर पैसे दे के भेज दे। 50,000 टिकट में इधर दे, तुम्हारा टिकट इधर कंपनी सीट दे दो, फ्रंट में दो सीट। हम वो सीट आ गए भाई साहब, वो वीआईपी है, तुवा गाड़ी अच्छी गाड़ी है, सादा गाड़ी नहीं है मामूली। 1,50,000 नाम इधर ना, टिकट टिकट मोहम्मद, क्या है तेरा नाम? हाँ नदीम, नदीम नदीम मोहम्मद नदीम, मोहम्मद नदीम शान मशद खुद टर्मिनल मशद शान। चल नदीम कर दे, नदीम टिकट्स वही भी यार, एक ही फारसी लिखी हुई है। नहीं नहीं देखो मबलग हम यार अभी ना, जैसे हमारे वहाँ पे स्टेशन्स पे होती है ना छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, तो यहाँ पे भी खाने पीने की शॉप्स हैं, लेकिन यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। पॉपकॉर्न है आई थिंक ये चीतूस चीतूस पॉपकॉर्न और बिस्किट वगैरह देखते हैं यार, अगर बिस्किट मिल जाते हैं। एक ये भी ले लें फिर यार। ये है हमारी बस, ये देखिए हमने फ्रंट पे सीटें ली हैं, और ना यहाँ पे लेग स्पेस ज़रा चेक करें, ये देखिए इतनी ज़्यादा लेग स्पेस है। बाकी ठीक है यार। यार ये कंटीन से हमने सामान लिया जिसमें 4 कोक हैं छोटी छोटी, और साथ में कुछ लेज हैं, साथ बिस्किट्स हैं, तो ये हमें ना 1 लाख में पड़ा है। 1 लाख का इतना सामान, हमारा शादी का सामान इतना आ जाता है, इधर खाने पीने का सामान। देखें यार यहाँ के रोड, यार कितने खूबसूरत रोड है, ये ब्यूटीफुल बच्चा। व्हाई यू आर स्माइलिंग? जितना भी आप दूर देखेंगे कोई भी ट्री यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, और सारा डेजर्ट एरिया, सारा यहाँ पे रोक ही रोक पड़ा है। ये देखिए कैसे वरान बंजर यहाँ पे खंडर पड़े हैं इस साइड से। यार अभी पता क्या हुआ, ये सफदर भाई गए उठ के यहाँ से चेयर से, और उनको बोलते हैं अपने गाने बंद करो, स्टॉप योर सॉन्ग्स। उन्होंने कहा क्या बात है, अपनी लैंग्वेज समझ में नहीं आती ना यार, हमें फारसी नहीं आती। उनको कह रहा है सिद्धू मूसे वाले के गाने लगाओ, सिद्धू आई वी आर लिसन सिद्धू मूसे वाला। टैक्सी वाले को गाने करके दिए हैं, वो घंटा हो गया वो काट रहा है उसका पूरा कार्ड फुल कर दिया इसने, वो पीछे जो टैक्सी वाला था ना उसका पूरा कार्ड फुल कर दिया। गड्डी बंद करके जाना हमें अभी जी यहाँ पे स्टे करने के लिए ना, थोड़ी देर के लिए हमारी बस रुकी है और हम जा रहे हैं यहाँ पे, ये सामने होटल है, होटल बोलेंगे या क्या बोलें, तो यहाँ पे जाके चेक करते हैं यहाँ पे क्या कुछ खाने को मिलता है। काफ़ी सारी बसेस यहाँ पे आके ना रुकती हैं। अभी बस का नंबर यहाँ पे नोट कर लेते हैं क्योंकि सारी एक जैसी ही दिख रही हैं। बाज़ का तो ऐसा होता है कि नंबर जो है ना इधर से उधर हुआ तो आपको गाड़ी भूल गई। ब्रो क्या कुछ खाने को मिलेगा यहाँ पे पूछते हैं ना भाई। मुर्ग मुर्ग सीख शुदा 50, ये क्या है? ब्रांड चावल के साथ तली हुई चिकन, ये सही है? 1 लाख का ही है। हाँ ये सभी कर लेंगे, क्या ख्याल है? सभी कितने कर लेंगे, मैं कह रहा हूँ एक मंगा लो, आपसे खाया नहीं गया ना ये सलाद फसल शॉप खूबी दे जा वेख के मान वेरी वेरी गुड स्पाइसी फिर ओ
ओके 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 विद राइस और वॉर राइस या ओके बॉयल राइस बोतल 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 व्हाट इज दो लाख दो लाख दो लाख दो लाख टू दो लाख वन लाख अरे दो बच्चे भाई बच्चे दो लाख सिंगल एक मंगा ले एक बड़ा है सिंगल सिंगल एक लाख वन लाख यस अरे ओके 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 यार सब फारसी में सब फारसी में प्लीज सिट डाउन ओके सिट डाउन यहां पे नंबर लिखा होता है और वहां पे ऊपर नंबर भी चल रहा होता है 113 तो यहाँ पे ना 121 नंबर है मेरा तो जब ये कंप्यूटर से बोलते हैं ना तो वहाँ पे ऊपर भी आप नोट कर सकते हैं तो अभी जाके वहाँ से मैं वो अपना खाना रिसीव करूँगा जब वो हमारा ये नंबर बोलेगा ये आ गया थैंक यू सही है भीखा है लेकिन ना हमने चिली मंगवा के ऊपर थोड़ी सी यहाँ पे छिड़क ली है लेकिन ये चूरन की तरह का जायका दे रही है बट टेस्ट इज प्रीटी गुड हो गया पागल पागल हो गया बस वाला आगे क्यों ये ऐसे कहता है जैसे हम पहली दफा आए हैं यहाँ जैसे हमारे वहाँ पे होता है ना गर्मियों के दिनों में बाहर कूलर रखे होते हैं और ठंडे पानी के लोग वहाँ से पानी पीते हैं यहाँ पे लोगों ने कावे रखे हुए हैं देखें वहाँ धुआं निकल रहा है और ये बिल्कुल फ्री में यहाँ पे ना ये कावा जो है ये जितना मर्जी आपका दिल करे ये दुकानों के सामने ये देखें यहाँ पे भी पड़ा है वहाँ पे भी पड़ा है वो भी बंदा पी रहा है तो ये यहाँ पे आम है कावा यार अभी ना बहुत गहरी नींद आ रही थी और अभी भाई बता रहे मस्जिद मस्जिद चलो मस्जिद 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 तो दिस इज माई बैग एंड ये है टर्मिनल जहाँ पे अभी हम पहुँचे हैं 3 बजे के चले हुए थे और अभी सुबह के 4:30 का टाइम है और ये मस्जिद का टर्मिनल है यहाँ पे अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ से हमने टैक्सी लेके ना होटल कोई तलाश करना है वहाँ पे जाना है तो ये देखिए सीन क्या है अभी ये टर्मिनल से बाहर आए हैं और सामने ना काफ़ी सारी यहाँ पे येलो कलर में वाइट कलर में यहाँ पे टैक्सीज लगी हुई हैं नोट टैक्सी में गाड़ी 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 मुझे चालीस तो मान लेंगे आपसे ब्यूटीफुल यार चलो बाबू चलो यार ये सामने ना द होली शरीन हजरत इमाम रजा रजी अल्लाह तआला अन्हु और अबे मेरा बैग नीचे पटक दिया बड़ी बिल्डिंग आपको नजर आ रही है इसके अंदर हमने ठीक है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा साइड पे क्यों ना चले जाते क्योंकि इन दरबार के सामने यहाँ पे जाएंगे तो महंगा ना पड़ेगा नहीं नहीं महंगे मुंगे वाली कोई बात नहीं अच्छा हाँ। ये मेरे पीछे खूबसूरत इमाम रजा का मज़ार है और यहाँ से आपको वो गुम्बद नज़र आ रहे हैं अभी यहाँ से ना हमने ये इस इलाके को बोला जाता है बाबे जवाद आई थिंक इस बिल्डिंग का नाम है तो इसके साथ ही यहाँ पे ना जो मेरा भाई है ना वो पहले जब यहाँ पे आए थे तो उनको यहाँ पे होटल मिला था काफ़ी चीप प्राइस में और काफ़ी अच्छा था तो अभी वहीं पे जा रहे हैं सामान वगैरह वहाँ पे रखते हैं काफ़ी दिनों से निकले हुए हैं आपको पता है कि सफ़र में ही हैं तो स्टे करते हैं और उसके बाद एक फ्रेशनेस के साथ दोबारा निकलेंगे